full. Has he got the timing right? Has he got the timing right? Oh! Coley goes over fine leg. He might have cleared the boundary. He has! What? नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज के हमारे इस नए वीडियो में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी T20 वर्ल्ड कप चल रहा है जो कि ऑस्ट्रेलिया में खेला जा रहा है। मैच के दौरान जब प्लेयर्स किसी कंट्री में मैच खेलने जाते हैं तो उनको 5-7 स्टार होटल दिए जाते हैं रहने के लिए। साउथ अफ्रीका और इंडिया के मैच के बाद एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है जो कि वो वीडियो विराट कोहली के रूम का है। जी हाँ, विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया में जिस होटल में ठहरे हुए हैं उस होटल का उनका वो वीडियो क्लिप है। ऑस्ट्रेलिया में विराट कोहली जिस होटल में ठहरे हुए हैं उस होटल के एक स्टाफ ने उनके रूम की एक वीडियो बनाई और उस वीडियो को बनाने के बाद उन्होंने पोस्ट कर दिया सोशल मीडिया में। यह वो वीडियो है जो विराट कोहली के रूम से बनाया गया है और बहुत तेज़ी से ये वीडियो वायरल हो रहा है। आप देख सकते हैं सब कुछ, इनका शूज़, इनके कपड़े, जितने भी इनके सामान वगैरह रखे हुए हैं सब कुछ इन्होंने दिखाया है यहाँ पे। विराट कोहली जी हमारे भारत देश को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके साथ ऐसा होना बहुत ही गलत बात है, उनकी प्राइवेसी को लीक नहीं करनी चाहिए। और उसके बाद विराट कोहली ने खुद उस वीडियो को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे पोस्ट किया और लिखा है कि मैं समझता हूँ कि फैंस अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को देखकर बहुत खुश और उत्साहित होते हैं और उनसे मिलने के लिए उत्साहित होते हैं और मैं हमेशा इसकी सराहना करूँगा, लेकिन यह वीडियो मुझे बहुत भय में डाला है। मुझे अपनी निजता के बारे में बहुत पागल महसूस कराया है। अगर मैं अपनी होटल के कमरे में प्राइवेसी नहीं रख सकता तो मैं वास्तव में किसी भी व्यक्तिगत स्थान पर कैसे प्राइवेसी की उपेक्षा रख सकता हूँ, ऐसा विराट कोहली जी ने कहा। फ्रेंड्स में लोग, सेलिब्रिटीज़ लोग कमेंट कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेबल चीज़ें हैं, रेडिकुलस, बहुत बेकार हुआ ये चीज़, ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी की प्राइवेसी के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। वहीं पे डेविड वार्नर जो ऑस्ट्रेलिया के ही एक प्लेयर हैं उन्होंने कमेंट किया, शायद होटल का नाम उन्होंने कमेंट किया, होटल का नाम शायद क्राउन प्रेथ करके है। आप लोगों को उसकी एक झलक दिखा देता हूँ। तो जैसा कि उन्होंने कमेंट किया था, हो सकता है यही वो होटल है जहाँ पे वो रुके हुए हैं। फैंस को ऐसे भी नहीं करना चाहिए कि अगर आप किसी को अपना आइडल मानते हैं, कोई आपके किसी को स्टार मानते हैं, किसी को आप अपने हीरो मानते हैं, तो उसकी ऐसे वीडियो बना के पब्लिक में सोशल मीडिया में वायरल कर दें। किसी की प्राइवेसी का भी हमें ध्यान होना चाहिए कि कानूनी तरीके से भी ये गलत है जो आपने किया है, बहुत ज़्यादा गलत काम है। तो होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। और अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही है। तो हमेशा अपनी और अपने आइडल की प्राइवेसी का ख्याल रखिए। तो ठीक है दोस्तों, यहीं पर हम अपना वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।